आफ्टर एम्बापे रियल मैड्रिड माइट ऐड एम्बापे का जो है वो बेस्ट फ्रेंड हकीमी एट देयर क्लब. व्हाट आर दी प्लान्स फॉर अशराफ हकीमी, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ. मोर वाई गोना टॉक अबाउट बार्सिलोना की क्या जो है वो नई तरकीब है टू अर्न मोर मनी आफ्टर यू नो ब्रेकिंग दी टाइस विद नाइकी, आज की वीडियो में बात करेंगे. ऑल्सो वी गोना टॉक अबाउट बार्सिलोना के फ्यूचर साइनिंग्स ऑफ जुआस, क्या उनका जो है वो प्लान चल रहा है. ऑल्सो बिग न्यूज़ फॉर रियल मैड्रिड फैंस. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG. वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आपके लिए ऐसी जो है फुटबॉल की वीडियोस लेकर के आते हैं. एनीवेज दोस्तों, ISL के बारे में बात कर लेते हैं जरा सा, एकदम जरा सा ही टाइम लूंगा. देखो सुन लिया करो ISL के बारे में, क्यों ना, क्योंकि अगर आप ISL नहीं भी देखोगे ना तो आपका नॉलेज बढ़ेगा और आपको मन करेगा देखने का. बींग रियली वेरी ऑनेस्ट, आपको भी पता है मैं भी इंडियन सुपर लीग फॉलो नहीं करता था, बट मैं रिसेंटली कर रहा हूँ एंड आई एम लविंग इट एक्चुअली. सो दिस इज हाउ दी टेबल इज लुकिंग राइट नाउ. एंड आज जो है वो गेम चल रहा था मोहन बगान और आपके जो है वो जमशेदपुर का, ठीक है. अब देखो जमशेदपुर को ये गेम जीतना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो टॉप 6 में पहुंच जाते, और मोहन बगान को अगर जो है वो भाई ट्रॉफी के ऊपर हक जताना है तो वो सेकंड ऑफ दी पोजीशन आ जाते अगर ये गेम जीत जाता है ना. एक्जैक्टली वही हुआ, मोहन बगान वॉन दी गेम एंड भाई बहुत ही कंफर्टेबली जो है उन्होंने जमशेदपुर को हरा दिया. 3 गोल्स अपन को देखने को मिले, 1 गोल अपन को देखने को मिला पेट्राटोस की तरफ से, 1 गोल कमिंग्स की तरफ से, और 1 गोल जो है वो अपन को साडिकू की तरफ से देखने को मिला, और 2 असिस्ट अपने जो है वो भाई साहब मनवीर सिंह इस किंग ने जो है वो दागे. अब भाई मनवीर सिंह का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहा है विद दी न्यू मैनेजर ऑफ मोहन बगान. नया मैनेजर आने के बाद मोहन बगान सच में अच्छे फॉर्म में नज़र आने गई है एंड उसी का जो है वो आप कह सकते हो फायदा जो है वो मोहन बगान को मिल गया. अब मोहन बगान ही सेकंड ऑन दी टेबल एंड ओडिशा टॉप चल रही है. जमशेदपुर मिस कर दी पॉइंट को, नीचे जो है वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड बैठी हुई है. बेंगलुरु FC का कल मैच है अगेंस्ट केरला ब्लास्टर्स, तो उनकी भी नजर रहेगी टॉप 6 वाले जो है पोजिशन में जो है वो चढ़ने के लिए. तो कल का मैच बहुत इंपॉर्टेंट, राइवलरी भी है दोनों जो है वो क्लब्स के बीच में. ऑल्सो अगर हम बात कर ले दूसरे गेम के बारे में तो पंजाब वर्सेस मुंबई है. मुंबई चाहेगी वो गेम जीतना ताकि वो जो है वो भाई यू नो ISL के रेस में बने रहे जो है वो भाई लीग का जो है वो ट्रॉफी उठाने के लिए. तो ISL इज गोइंग वेरी इंटरेस्टिंग, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट दिस इज द बेस्ट टाइम इफ यू वांट टू स्टार्ट ISL. एंड AKG इंस्टाग्राम जो अपना पेज है AKG फुटबॉल इंस्टाग्राम पे, वहां मैं डेली ISL के अपडेट्स भी डाल देता हूं, तो आप जाकर के जरूर चेकआउट करिएगा. एनीवेज वीडियो को चालू करते हैं, अब अपन जो है वो खबरों की ओर बढ़ जाते हैं. सो खबरें में सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट क्या बड़ी खबर है फॉर रियल मैड्रिड फैंस. तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जूड बेलिंगम इज बैक एंड ही इज 100% फिट एंड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट गेम जो रियल मैड्रिड खेलने जाने वाली है. सो ऐसा सोचा गया था कि रियल मैड्रिड के इस गेम से पहले जो है वो जूड बेलिंगम वापस आ जाएंगे, एग्जैक्टली वही हुआ. वेलेंसिया के खिलाफ कल मैच है, अवे विक्ट्री अवे गेम होगा, और इस गेम से पहले जो है वो जूड बेलिंगम वापस लगभग समझ में आ रहा है कि आ ही गए हैं. अब विल ही बी इंक्लूडेड इन द स्टार्टिंग 11 और नॉट, ये तो अभी कंफर्मेशन नहीं है, बट शायद स्क्वाड में आपको जूड बेलिंगम 100% जो है वो देखने को मिलेंगे. नॉट कंफर्म अबाउट द स्टार्टिंग 11 के एकदम आते साथ जो है वो उसको कार्लो एंचेलोटी घुसाएगा कि नहीं घुसाएगा, बट अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम फॉर रियल मैड्रिड. दे आर गोइंग अगेंस्ट वेलेंसिया, दैट टू अवे है ये गेम, तो हमेशा जो है वो भाई वेलेंसिया के लिए अवे फिक्चर्स थोड़े से ट्रिकी रहते हैं, तो नजर रहेगी. मोर ओवर देर इज ह्यूज अपडेट फॉर कोर्तुआ एंड मिलिटाओ एज वेल. दोनों खिलाड़ी जो है वो बाहर थे लंबे समय के लिए, और अभी इंटरनेशनल ब्रेक में जो अभी होने वाला है उसमें जो है वो भाई पूरा ऐसा प्लान है कि भाई सब कोई एकदम आराम करेंगे, कोर्तुआ और जो है वो मिलिटाओ, और प्रॉपर फिटनेस के साथ रियल मैड्रिड को वापस से ज्वाइन कर लेंगे फॉर द सेकंड हाफ ऑफ द सीजन. एंड दे आर भाई साहब लुकिंग फॉरवर्ड टू ज्वाइन रियल मैड्रिड बिफोर द एल क्लासिको. एंड एल क्लासिको अगला कब है आपको पता होना चाहिए, 21 अप्रैल को जो है वो होने वाला है. सो 21 अप्रैल से पहले आपको कोर्तुआ और मिलिटाओ वापस से आपको जो है वो रियल मैड्रिड के स्क्वाड में नजर आ जाएंगे, और इस पूरे इंटरनेशनल ब्रेक का फायदा जो है वो इन लोग दोनों उठा करके अपने आपको फिट करने वाले. तो ह्यूज बूस्ट फॉर रियल मैड्रिड के सेकंड हाफ ऑफ द सीजन, जब मेजर UCL के भी गेम्स चलते रहेंगे तब मिलिटाओ और कोर्तुआ वापस आ जाएंगे. इंटरनेशनल ब्रेक कब है अगर आप सोच रहे हैं, तो मार्च 18 से जो है वो 24 मार्च के बीच में आपको इंटरनेशनल ब्रेक देखने को मिलेगा, ये भी मैं आपको बता देता हूं. एनीवेज दोस्तों, अगली खबर के ऊपर बढ़ जाते हैं, और वो है हमारे बार्सिलोना से रिलेटेड जॉ फिलिक्स और जॉ कंसेलो का जो है वो खबर. तो देखें दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी है कि जॉ फिलिक्स को जो है वो बार्सिलोना ऐसा समझ में आ रहा है कि खरीद नहीं पाएगी एथलेटिको मैड्रिड से इस सीजन में. दे आर यू नो बट विलिंग टू इन्वेस्ट फॉर जॉ कंसेलो.
कैंसेलो। प्रॉब्लम विद बार्सोना इज द FFP फाइनेंशियल फेयर प्ले का जो है वो प्रॉब्लम है। दे आर नॉट स्टिल वन वी मतलब 1:1 के जो है वो रेशियो में उनकी बुक्स अभी भी बैलेंस नहीं है। इसके चलते जो है वो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते फॉर द प्लेयर्स। इन्वेस्ट अगर वो कर भी लेते हैं तो रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। दिस इज़ अ वेरी ह्यूज इशू एज वेल। आपको पता होगा विटर रोके को जो है वो भाई रजिस्टर करने के लिए गावी का इंजर्ड होना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो यहाँ पे जो है वो अपकमिंग सीजन के लिए हमको जो है वो रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी नज़र रखना है, FFP के ऊपर भी नज़र रखना है। एंड बार्सिलोना इज़ यू नो प्रेइंग दैट दे यू नो गो अहेड इन UCL ताकि ज़्यादा पैसा मिले। बार्सिलोना इज़ विलिंग मतलब प्रेइंग बेसिकली कि भाई हम जो है वो ला लीगा होपफुली सेकेंड या फर्स्ट फिनिश करें जिसके चलते अपन को ज़्यादा पैसा मिले तो अपन जो है वो भाई FFP में इन लोगों को रजिस्टर कर पाएंगे। बट फॉर एनी केस अगर ऐसा होता है ये बार्सिलोना स्लिप आउट हो जाती है UCL के नॉकआउट स्टेजेस में ही, अभी नापोली के खिलाफ टच वुड ऐसा ना हो, तो फिर जो है वो बार्सिलोना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाएगी। एनीवेज दोस्तों, टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली इन दोनों बंदों के बारे में, तो देखें मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ, बार्सिलोना इज़ विलिंग टू इन्वेस्ट ऑन जोआओ कैंसेलो और वो अपने FFP में थोड़ा सा जो है वो जगह बनाने की जो है वो पूरी ट्राई कर रहे हैं जोआओ कैंसेलो को जो है वो खरीद के लाने के लिए। अब ये चीज़ पॉसिबल इसलिए भी है क्योंकि मैन सिटी जो है वो जोआओ कैंसेलो के लिए केवल 20 से 30 मिलियन जो है वो मांग रही है। मोर ओवर बार्सिलोना के अच्छे टाइज है मैन सिटी के साथ, तो हो सकता है कि ये जो है फी थोड़ा सा डाउन हो भी जाए तो यहाँ पे जो है वो जोआओ कैंसेलो को बार्सिलोना खरीद के ले आएगी परमानेंटली। और जोआओ कैंसेलो काफ़ी अच्छा नज़र भी आया यार, राइट हैंड साइड भी अच्छा खेला है, लेफ्ट हैंड साइड जब से वाल्डे इंजर्ड हुआ है वहाँ भी अच्छा खेलते नजर आ रहा है। तो जोआओ कैंसेलो इज़ अ गुड प्लेयर इन माई आईज, वी शुड डेफिनेटली साइन हिम। बट टॉकिंग अबाउट जोआओ फेलिक्स, जॉन लापोर्टा का काफ़ी ज़्यादा मन है जोआओ फेलिक्स को जो है वो खरीद के लाने के लिए टीम में, बट अनफॉर्चुनेटली एथलेटिको मैड्रिड की जो आस्किंग प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है। एथलेटिको मैड्रिड इज आस्किंग अराउंड फॉर 70 to 80 मिलियन, विच बार्सिलोना इज नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट ऑन अ प्लेयर लाइक जोआओ फेलिक्स। देयर इज नो डाउट जोआओ फेलिक्स हैज दैट क्वालिटी, बट आई स्टिल हैव डाउट्स ऑन जोआओ फेलिक्स। मोर ओवर अगर वो विलिंग है भी है, मतलब जो है वो इन्वेस्ट करने के लिए, तो पैसे भी तो होने चाहिए ना बड़े भाई, पैसे भी तो नहीं है। तो बार्सिलोना के पास 80 से 90 मिलियन जो ना जोआओ फेलिक्स के ऊपर का इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, एंड हैज दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अनदर लोन डील फ्रॉम एथलेटिको मैड्रिड। दे आर ट्राइंग हार्ड टू यू नो कन्विंस एथलेटिको मैड्रिड की एक साल और लोन डील में अपन को दे दो। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ इसमें दोस्तों, वेरी इनसाइडर खबर और ये कोई भी मीडिया में नहीं है, दिस इज प्योर माई ओपिनियन बेस्ड अपॉन वॉचिंग फुटबॉल सिंस आई डोंट नो 10 years और समथिंग। सो मेरा प्योर एक्सपीरियंस ये कहता है कि जोआओ फेलिक्स तो ऑटोमेटिकली एथलेटिको मैड्रिड का प्लेयर बन जाएगा दोबारा, ठीक है। एंड जोआओ फेलिक्स को अगर एथलेटिको मैड्रिड ऑब्वियसली नहीं रखना चाहेगी तो उसको मार्केट में पुट करेगी। देर विल बी एन यू नो लोन ऑफर फ्रॉम बार्सिलोना, बट इफ एनी अदर क्लब्स एंड अप्रोचेस एथलेटिको मैड्रिड टू बाय जोआओ फेलिक्स फॉर 70 to 80 मिलियन, absolutely Atletico Madrid will accept that offer rather than you know giving Joao Felix to Barcelona on a loan। आप समझिएगा मेरी बात को। तो अब कौन सी क्लब आएगी जो जोआओ फेलिक्स के लिए 70 से 80 मिलियन देगी, ये तो खैर यू नो एक ऐसी चीज़ है जो मैं भी नहीं बता सकता। मेरे को नहीं लगता कि कोई क्लब आफ्टर वॉचिंग हिज चेल्सी का लोन स्पेल कोई आएगी जो जोआओ फेलिक्स के लिए 70 से 80 मिलियन देगी। बट अगर कोई आ जाती तो एथलेटिको मैड्रिड ऑब्वियसली उसको बोलेगी कि बड़े भाई हमको पैसे मिल रहे हैं, तुम जाओ उस क्लब को ज्वाइन करो, कहाँ तुमको लोन में बार्सिलोना को भेजेंगे और अपन को साला उसमें भी कुछ ऐसा पैसा वैसा मिल नहीं रहा है। तो देखो दोस्तों क्या होता है, बट इट इज़ वन थिंग फॉर श्योर दैट बार्सिलोना विल ओनली प्रक्योर जोआओ कैंसेलो इन द समर विंडो, नॉट जोआओ फेलिक्स एज फॉर नाउ। एंड इफ वो लोन डील जो है वो कॉम्प्लिकेट होती है तो फिर आप भूल जाइए कि आपको जोआओ फेलिक्स बार्सा शर्ट में वापस नजर आ सकते हैं। एनीवेज दोस्तों, मूविंग टू अनदर खबर और वो ऑब्वियसली बार्सिलोना शर्ट से रिलेटेड ही है। नाउ आप लोगों को पता ही है दोस्तों बार्सिलोना जो है वो नाइक के नाइकी या नाइक, आप लोग क्या बोलते हैं यार मेरे को बताओ तो कमेंट सेक्शन में, इट्स नाइक और इट्स नाइकी। यूरोप मार्केट में मैं सुनता हूँ नाइकी बोलते हैं, एशियन मार्केट में मैं सुनता हूँ नाइक बोलते हैं, पता नहीं यार देयर इज अब यार अपने अपना प्रोनंसिएशन रहता है। मैं नाइक बोलने में कंफर्टेबल हूँ बट असल प्रोनंसिएशन क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एनीवेज टॉकिंग अबाउट बार्सिलोना, तो आप लोगों को पता है कि बार्सिलोना जो है वो नाइकी के साथ अपने जो है वो टाइस ब्रेक करने वाला है बिकॉज नाइकी अपेरेंटली जो है वो बार्सिलोना को अच्छा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं ऑफर कर रही है, मार्केट प्राइस से काफ़ी कम जो है वो पैसे नाइकी ऑफर कर रही है FC बार्सिलोना को। एनहेंस बार्सिलोना इज वेरी यू नो टेंस्ड एंड यू नो दे आर सेइंग कि साला एक तो वैसे ही हमको कम पैसा मिल रहा है और तुम साला कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा भी नहीं रहा है, चल हट यहाँ से। अब दोस्तों यहाँ पे मेन मुद्दा ये आ रहा है कि बार्सिलोना के पास ऑफर्स थे
प्यूमा की तरफ से ऑफर्स थे एस पर दी रिपोर्ट्स। न्यू बैलेंस भी जो है वो नए ऑफर्स दे रही थी बार्सिलोना को। ह्यूमन करके एक कंपनी है, वो भी कुछ ऑफर रखी थी बार्सिलोना के टेबल में, बट बार्सिलोना जो है वो इन सभी ऑफर्स को ठुकराने वाली है। ऐसी खबरें चल रही थी कि बार्सिलोना शायद प्यूमा के साथ पार्टनरशिप वगैरह कर ले, बट ऐसा समझ में आ रहा है कि बार्सिलोना जो है वो सोच रही है कि खुद का जो है वो एक बार्सिलोना लाइसेंस एंड मर्चेंडाइज के अंडर जो है वो भाई कपड़े उन लोग प्रोड्यूस भी करें और फिर डिस्ट्रीब्यूट भी करें। नाउ दिस विल बी अ वेरी ह्यूज डिसीजन एंड आई डू नॉट रिमेम्बर कि कोई बड़ी क्लब ऐसा करी हो। अब हिस्ट्री के बारे में मेरे को नहीं पता, कोई हिस्ट्री में ऐसी कोई क्लब रही होगी जो करी होगी, आई हैव नो क्लू, बट बार्सिलोना ने तो भाई मैं जब से देख रहा हूँ कापा थी इनकी, कापा के बाद नाइकी ही है, उसके बाद तो मैंने देखा नहीं बार्सिलोना में कोई ऐसा यू नो किट स्पॉन्सर कोई चेंज होता है। अब देखो दोस्तों, इसकी इकोनॉमिक्स मैं आपको समझा देता हूँ। जब कोई भी क्लब किसी भी क्लब मतलब किसी भी कंपनी के साथ किट स्पॉन्सरशिप साइन कर लेती है तो उनको ज़्यादा टेंशन का झंझट नहीं रहता है। आप लोग समझिएगा मेरी बात को, टेंशन क्या क्या रहता है। जैसे अब जैसे बार्सिलोना है, ठीक है, तो बार्सिलोना ने नाइकी के साथ जो है वो साइन कर ली डील। अब नाइकी ही जो है वो डिज़ाइन करेगी किट को, नाइकी जो है वो मैन्युफैक्चर करेगी किट को, और नाइकी ही जो है वो भाई पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट भी करेगी किट को। बार्सिलोना को कोई लेना एक ना देना दो, समझ रहे हो, बार्सिलोना चुपचाप अपने दूसरे जो है वो भाई हिसाबों को जो है वो मैनेज करेगी। लेकिन 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 प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे ऑब्वियसली स्प्लिट हो जाएगा। एक तो नाइकी पैसा ऑलरेडी बार्सिलोना को दे रही है क्योंकि हम आपके किट बनाएंगे और हम आपके किट एक्सक्लूसिवली बेचेंगे। ऑब्वियसली अगर बार्सिलोना की किट है तो वो नाइकी की, अगर नाइकी बेच रही है तो एडिडास में तुमको वो किट देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ऑब्वियसली वो नाइकी बार्सिलोना की है। तो बार्सिलोना की जो एक तो बार्सिलोना को पैसे मिले नाइकी की तरफ से कि तेरे किट बनाने का एक्सक्लूसिव राइट हमको मिलेगा, और फिर वो जो किट हम बेचेंगे, मान लो ये किट 800 रुपए की है तो वो मतलब ओरिजिनल किट 5000 की रहती है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मान लो किट 1000 रुपए की है तो उस 1000 रुपए में से 600 रुपए हम रखेंगे और 400 रुपए बार्सिलोना को देंगे। ये बेसिक जो है वो मैथ्स रहता है जिससे कंपनीज पैसा कमाती है। अब बार्सिलोना का कहना ये है कि ये 600 रुपए नाइकी को क्यों देने, हमारे पास पूरे फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास ऑलरेडी बार्सिलोना लाइसेंस एंड मर्चेंडाइज का एक पूरा सेक्टर है तो उसका इस्तेमाल करते हैं और अपन खुद से जो है वो किट बनाएंगे और डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। अब बार्सिलोना को ये मतलब बार्सिलोना को ये चीज़ इजी लग रही है, वो प्रॉफिट केवल देख रहे हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी इस मार्केट की काफ़ी ज़्यादा है। आपको किट बनानी भी पड़ेगी, डिज़ाइन से ले करके मैन्युफैक्चर तक आपको करना पड़ेगा, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन भी देखना पड़ेगा, तो ये बहुत एक कठिन चीज़ है। लेकिन अगर ये हो जाता है तो फिर जो पूरे प्रॉफिट्स होंगे ना वो पूरे बार्सिलोना के होंगे, आप इस चीज़ को समझिएगा। ऑल दो बार्सिलोना विल बी लूजिंग ऑन दैट अपफ्रंट मनी जो कंपनी पे करती है क्लब को, बट बार्सिलोना विल बी गेनिंग एवरीथिंग फ्रॉम दी सेल्स, ये एक बात है। अब देखो दोस्तों, ये प्रॉफिटेबल भी हो सकता है, नॉट प्रॉफिटेबल भी हो सकता है, आई रियली डोंट नो, बट एज पर यूएफा बार्सिलोना इज़ दी मोस्ट किट सेलिंग करने वाली जो है वो क्लब। बार्सिलोना ने सबसे ज़्यादा किट सेल करे हैं पिछले सीज़न में, आपके सामने चार्ट आप देख सकते हैं, तो वो पूरा पैसा बार्सिलोना के पास जाएगा। एज पर दी रिपोर्ट्स बांग्लादेश में जो है वो बार्सिलोना की जो है वो टीम गई थी मैन्युफैक्चरिंग देखने के लिए, और थाईलैंड में गई थी, और ये वही शायद मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जहाँ नाइकी भी जो है वो अपने कपड़ों को बनाती है। ऑब्वियसली दीज यू नो क्लोथ्स आर डिज़ाइन इन बांग्लादेश एंड थाईलैंड ओनली, सो बार्सिलोना सेम जो है वो फैक्ट्रीज़ को लुक आफ्टर कर रही है इन सब चीज़ों को करने के लिए। सो ये पूरा प्लान है बार्सिलोना का जो मैंने आपको बता दिया, आई रियली होप सो आप लोगों को मज़ा आया होगा, बट लेट्स सी क्या ये प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा। अब नाइकी की जगह पर यहाँ कुछ FCB या ऐसा कुछ लिखा हुआ तुमको जो है वो देखने को मिलेगा। रियली एक्साइटेड टू सी दिस इफ दिस हैपेंस। एनीवेज दोस्तों, आखिरी खबर में जाते हैं और वो है हमारे क्या हकीमी एम्बापे के साथ ज्वाइन करने वाले रियल मैड्रिड। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, रियल मैड्रिड ऑब्वियसली इज गोइंग टू साइन एम्बापे, यू गाइस आल्सो नो इट, आई आल्सो नो इट, एंड ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड में दे आर आल्सो गोइंग टू साइन अल्फांसो डेविस एज वेल। अब अल्फांसो डेविस के साथ सिनेरियो वही है, आएगा तो इसी सीजन 2024 में आ जाएगा फॉर अ यू नो ट्रांसफर फी, और अगर नहीं आया इस सीजन तो 2025 में ऐसा फ्री ट्रांसफर आएगा, लेकिन आएगा फॉर श्योर। टॉकिंग अबाउट द राइट हैंड साइड, कार्वाहाल का ऐसा कोई प्रॉपर रिप्लेसमेंट जो है वो अभी तक रियल मैड्रिड के पास नहीं है। रियल मैड्रिड हैड हकीमी विद देम, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रियल मैड्रिड थॉट ऑफ कि ठीक है यार बेच देते ना, क्या दिक्कत है, अभी हैव कार्वाहाल, संभाल लेगा लड़का। एग्जैक्टली वही हुआ, कार्वाहाल तो भाई उस समय एक्सपीरियंस खिलाड़ी था, लेकिन हकीमी उस समय यंग खिलाड़ी था, तो उन्होंने हकीमी को बेच दिया था। लेटर ऑन हकीमी जॉइंट PSG, एंड वो PSG में अच्छा खेल रहा है, एंड ऑब्वियसली हकीमी इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ
द बेस्ट राइट बैक इन द वर्ल्ड. सो रियल मैड्रिड इज यू नो विलिंग बैक टू गेट हकीमी फ्रॉम पीएसजी एंड वो ऑब्वियसली एकेडमी प्लेयर है रियल मैड्रिड का, तो देयर इज दैट थिंग एज वेल. बट यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग रियल मैड्रिड कुछ ऐसी चल रही है कि हकीमी को भी उन लोग अल्फांसो डेविस के जो है वो हिसाब से लेकर आएंगे. जैसे अल्फांसो डेविस का जब कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी सीजन बचा हुआ है तभी उन लोग गए अप्रोच करने के लिए ताकि कम पैसे मिले, और अगर कम पैसे में नहीं मिला तो अगले सीजन फ्री मिले आएंगे. एग्जैक्टली दिस इज वॉट रियल मैड्रिड प्लान्स टू डू विद अशराफ हकीमी एज वेल. हकीमी का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 2026 में एक्सपायर होता है, तो वो 2025 में जाएंगे अप्रोच करने जो है वो पीएसजी को हकीमी के लिए. अगर लो अपने को जो है वो भाई पैसों में मिला तो ठीक, अगर लो पैसे में नहीं मिला तो फिर 2026 उन लोग ऐसे फ्री ट्रांसफर ले आएंगे. हकीमी ऑब्वियसली वुड लव टू रिटर्न टू रियल मैड्रिड फॉर टू रीजंस. ऑब्वियसली उनका यूथ क्लब है तो ऑब्वियसली ही वुड डेफिनेटली वांट्स टू प्रूव हिमसेल्फ ओवर देयर. एंड सेकंडली किलियन एम्बापे उसका बेस्ट फ्रेंड वहां पर आएगा तो ऑब्वियसली ही विल गो देयर. सो ये कमाल का प्लान जो है वो एग्जीक्यूट करने वाले हैं पापा पेरेस, एक साल एडवांस में आपको बता दिया हूँ, ठीक है. तो रियल मैड्रिड फैंस थैंक यू लिख देना. चलिए कमेंट सेक्शन में आ जाते हैं, टॉप कमेंट ऑफ द डे को पिक कर लिया जाए. वीडियो थोड़ी सी आज लंबी बन गई बिकॉज ऑफ बार्सिलोना की जो है वो BLM की जो है वो खबर, बट क्या करोगे, इट इज व्हाट इट इज. हमारे अक्षांश निरंजन भाई कह रहे हैं कि हालैंड टू बार्सिलोना इज इनएविटेबल बट दिस इज नॉट द राइट टाइम, एज लॉन्ग एज पेप इज देयर ही वोंट लीव, वी नीड टू ब्रिंग CDM फर्स्ट. एकदम तुमने एकदम सही बात कही है अक्षांश भाई, बट लेट्स सी हालैंड कम्स और नॉट यार. बट स्टिल एज अ बार्सिलोना फैन आई वुड लव टू हैव जूलियन अल्वारेस रेदर देन अर्लिंग हालैंड और लोटारो मार्टिनेज एज वेल, ही कैन ऑल्सो बी अ गुड फॉर अस. जैसे हमारे एक लेमिन्स कैटेफाइल जो है वो एक लिखी थी, मैं देख पाया था वैसे करके. एनीवेज दोस्तों ये दो टॉप कमेंट्स मेरे को देखे, अब भी टॉप कमेंट छोड़ करके जाइए ताकि मैं आपके कल के जो है वो वीडियो में आपको भी शॉर्ट आउट दूं. दिल्ली नेक्स्ट वीडियो में शेयर करते हैं. प्लीज जय हिंद वंदे मातरम. DNA भरा है खून में फुटबॉल की नॉलेज, दिमाग में चैनल भरा है जुनून से. फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ.